नमस्कार, मैं गौरी रानी और आप देख रहे हैं टीएसटी न्यूज। एसडी न्यूज ने कल एक आपको खबर दिखाया था जिसमें किस तरह खुद की सगी बहन, बड़ी बहन ने छोटी बहन को घर से बाहर निकाल दिया, जबकि बड़ी बहन ने खुद छोटी बहन को पटना से रांची यह कहकर लेकर आई कि चलो तुम्हें रांची घुमाती हूँ। लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद और लॉकडाउन 4 आने तक बड़ी बहन का सब्र का बांध टूट गया और वो छोटी बहन को, इसके 1 साल के बच्चे को, घर से बाहर निकाल दी। मगर एचडी न्यूज़ का खबर का असर दिखा और लोगों ने इनकी मदद की और किसी ने गाड़ी की व्यवस्था की तो किसी ने गाड़ी के लिए पेट्रोल की व्यवस्था की तो किसी ने खाना पानी राशन देकर इन्हें अब पटना जाने के लिए अब ये तैयार है। कैसा लग रहा है ये बताएं? सोचे थे इतना जल्दी जा पाएंगे? कैसा रहा ये आप आए उसके बाद? अब आप जा रहे, आए थे तो कैसा लग रहा था, अभी जा रहे हैं तो कैसा लग रहा है? 2 महीना कैसे बीता? बहुत बुरा तरह से बीतले, बहुत कष्ट है। लेकिन हम आके यहाँ छोटा बच्चा के हम कैसे यहाँ से ले जाइए कहकर भेजे, हमें कुछ समझ में नहीं आ। अब कैसा लग रहा है? अब ठीक लग रहा है, हम जा रहे हैं। खुश है ना अब? हाँ खुश। आप बताएं कैसा लग रहा? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमको हमारे घर भेजा जा रहा है। मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगा उनका कि जिन्होंने कल वादा किया था हमसे। कल आके मीडिया कर्मी 2-4 आए थे हमारे पास और उन्होंने वादा किया कि हम आपको 24 घंटे में घर भेज के रहेंगे। और हम 2 महीने से कोशिश कर रहे थे, पास पटना जा रहा हूँ और बहुत ही खुश हूँ कि उन लोगों ने मेरा साथ दिया। और मैं तहे दिल से शुक्रिया करूँगा कि एक आंटी जो मुझे मिलवाई इन लोगों से, और मुझे एक दीदी ने सहारा दिया, वो मीडिया कर्मी हैं, और मतलब सब ने मिल के मेरा पास बनवाया और अब हम खुशी से अपने घर जा रहे हैं। और तहे दिल से मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत ही परिश्रम करके और जो बोल के गए वो बिल्कुल हमको करके दिखाए। और मतलब 24 घंटे के अंदर हमारा पास भी बन गया, मेरे लिए गाड़ी भी तैयार है। अब हम कुछ ही सेकंड में निकलने वाले हैं यहाँ से घर के लिए अपने, और बहुत ही खुश हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हमारा ये लॉकडाउन तो बहुत ख़राब ही बीता लेकिन इनकी वजह से हम हमारे चेहरे पर कुछ मुस्कान आई है और मतलब बहुत ही खुश हैं हम, अब अपने घर जा रहे हैं। तो देखा आपने एचडी न्यूज़ का खबर का असर दिखा और लोगों ने इनकी सहायता की और अब 2 महीने के बाद फाइनली ये अपने घर पटना पहुंच जाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप देखते रहें एचडी न्यूज़। गौरी रानी रांची से।